अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिला खालिद। आज मौसम बहुत खूबसूरत है तो मैंने सोचा कि आज आपको हम अपने घर के करीब का जो पार्क है वहाँ की सैर करवाते हैं। अब आप देखें, ये मेरे घर के करीब है पार्क और ये इतना खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन है। लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। चलें आज हम पार्क की सैर करते हैं और दिखाती हूँ, मेरे साथ रहें आप लोग। मोस्टली अपने बच्चे अपने माँ पहली के साथ आते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग लेडीज़ आती हैं क्योंकि शाम के टाइम बच्चों को लेके यहाँ पर बच्चे अपने यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। झूले देखें आप कितने साफ़ सुथरे होते हैं और किसी तरह की कोई टूट फूट नहीं होती, और हर जगह पे यहाँ पे बल्दिया का सिस्टम होता है जो बहुत लुक आफ्टर करती है। हर पार्क में एक इदारा बना हुआ होता है फर्स्ट एड का, जहाँ जो भी बात हो वो हो। दूसरे साइड पे यहाँ पर एक्सरसाइज के लगाई जाती हैं मशीन्स की, यहाँ पे होती हैं जहाँ पे लोग अपना एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को स्मार्ट करते हैं। और ये देखें, और जो है अपने आप को हेल्दी रखते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं और जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। जहाँ पे जितना चाहे टाइम स्पेंड करें, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। लोग यहाँ पर आते हैं, हर तरह के एक्सरसाइज हैं स्लिम होने की, और कुछ लोग अपने जो भी जिस तरह की भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो करते हैं। और ये सब चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है ताकि लोग खुश रहें, हेल्दी रहें। और एक अच्छी यहाँ के गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर मुल्क में दी जाएं तो एक अच्छा है मुल्क के लिए, आवाम के लिए भी। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट फ्री यहाँ पर होती है और ये हर जगह, हर शहर में, आप हर जगह, तो मैं कहूँ तो हर मोहल्ले में ये तमाम पार्क इस तरह के और तमाम तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती है। मस्जिद होती है, साथ उसके मदरसा भी होता है, और इस तरह का एक छोटा सा पार्क होता है। ये खूबसूरत सा बस मैंने आपको दिखाना चाह रही थी कि देखें आप कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है आवाम को प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दीजिए, और कोई कमेंट्स करना है, कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए। ये बुरसा के मुतालिक तो मैं आपको उसके मुतालिक ज़रूर बताऊँगी, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।